दोस्तों, यदि आप भी WhatsApp में न्यू नंबर ऐड करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। ये बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत लोगों को मालूम होगा और बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। तो जिन्हों को नहीं मालूम है उनके लिए हमें ये वीडियो बनाया है, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहें बिना स्किप किए हुए, तभी आप जान पाएंगे कैसे हम न्यू नंबर को ऐड कर पाते हैं। इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब दोस्तों आप किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर या नए किसी को भेजना होता है कोई डॉक्यूमेंट या फोटोज, तब आपको उनका नंबर सेव करना होता है और आप उसको उनको फ़ोटो भेज पाते हैं या जो भी वीडियो है तो भेज पाते हैं। तो आपको नंबर ऐड करने के लिए सिंपली कुछ स्टेप है जिसको फॉलो करना होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसके लिए सबसे पहले आपका क्या करना होगा दोस्तों, अपना व्हाट्सअप जो है उसको ओपन करना होगा। ओपन जैसे करेंगे, यहाँ पे आपको नीचे में कॉर्नर में आपको दिख जाएगा एक ऑप्शन, यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज का, मैसेज टाइप करने का है लगभग। तो इसमें आपको क्या करते हैं, इसको आपको आइकन को क्लिक करना है और क्लिक जैसे करेंगे आपको नीचे एक ऑप्शन दिख जाएगा ऊपर में, देख सकते हो ऊपर साइड में यहाँ पर न्यू कॉन्टैक्ट्स का, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे सेम जैसे आप फ़ोन में नंबर सेव करते हैं वही फॉर्मेट खुल के आ जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे आपका जो भी नंबर है आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं उसको आसानी से। यहाँ पे नंबर सेव कर देंगे, उसके बाद से यहाँ पे जो नाम है वो लिख देंगे। यहाँ पे नाम लिखने के बाद से सिंपली आप यहां से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद से आपका जो नंबर है वो सेव हो जाएगा। तो यहां से आप रिफ्रेश करके इसको देख सकते हैं और इस तरह आप अपना व्हाट्सअप जो नया नंबर है वो व्हाट्सअप में सेव कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।